वेल आई गेस फिल्म इंडस्ट्री में जब आदमी आता है तो शायद एक चीज़ पे रुकता नहीं है, उसको एक्टर को डायरेक्ट करना है, डायरेक्टर को प्रोड्यूस करना है, शायद कहानी लिखनी है। तो मैंने भी वही एक्सपीरियंस किया है। आई स्टार्टेड ऑफ एज एन एक्टर, देन आई बिकेम अ प्रोड्यूसर, देन आई डायरेक्टर, देन आई डिड होस्टिंग ऑफ शोज, यू नो, चैट शोज, नाउ एवेंचर ऑन इनटू द डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो वट एवर इज एक्साइटिंग, वट एवर कम्स माई वे, इफ आई फील दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, आई डोंट माइंड डूइंग इट। सो पिंच वॉज अ वेरी सक्सेसफुल शो फॉर मी एंड वॉज हाईली अप्रिशिएटेड एंड गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्स। सो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू डू अ सीजन टू, सो मे बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आई विल होपफुली अनाउंस इट। हाँ, तो दबंग इज हमारी फिल्म है जो थर्ड इंस्टॉलमेंट उसका आने वाला है 28 दिसंबर को, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छी बनी है एंड प्रभु देवा सर हैज डन अ ग्रेट जॉब एंड वी रियली एंजॉयड एवरी डे ऑफ द शूट। इट्स गॉट दैट फ्लेवर दैट लोगों को चाहिए दबंग से या चुलबुल पांडे से, येट उसमें हमने काफ़ी फ्रेशनेस और एक्साइटिंग चीज़ें डाली हैं फिल्म के अंदर, जो जब ऑडियंस देखेगी तो उनको वो पसंद आएगा। मक्खी क्या कर रहे थे? मक्खी इज ऑल्सो गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल इन द फिल्म, बिकॉज पहले में भी था, सेकेंड में भी था, थर्ड में इनफैक्ट काफ़ी कैरेक्टर फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा वो कैरेक्टर। थैंक यू।